हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इन सीसेट पेपर टू प्रीवियस ईयर सीरीज। टुडेज अवर टॉपिक इज टाइम एंड वर्क। यस, टाइम एंड वर्क अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बिकॉज इन एवरी ईयर आपका टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, यहाँ पे हमने देखा 2014 के अंदर एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क में से, ठीक है। इन 2015 देयर वाज अगेन वन क्वेश्चन, 2016 टू क्वेश्चन, 2017 टू क्वेश्चन, 2018 वन क्वेश्चन, एंड इन 2020 अगेन देयर वाज वन क्वेश्चन। ओके, दैट मींस वी कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चन इन अवर एग्जाम फ्रॉम टाइम एंड वर्क। ओके, एंड जो टाइम एंड वर्क के अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट लेवल रहे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जिसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इजीली टाइम एंड वर्क पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। तो पहले, अब क्लास शुरू करने से पहले एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तो देखिए, सिंपल अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करती हूँ तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है ना। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पे चाहे वो डे है, चाहे आर है, चाहे मिनट है, आपके पास कुछ भी गिवन है, मींस वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम इज द एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ भाई, एक दिन के अंदर मैं 5 प्रोडक्ट्स तैयार करती हूँ, ठीक है जी। मान लीजिए कि मेरा जो काम है कि मैं पेन तैयार कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं कह रही हूँ कि एक दिन के अंदर मैं 5 पेन तैयार कर रही हूँ और मुझे टोटल 20 पेन तैयार करने हैं, तो बताओ मुझे कितने दिन लगेंगे। एक दिन में जब मैं 5 कर रही हूँ तो 20 कितने में करेंगे? ऑब्वियसली 4 दिन में हो जाएंगे। तो 4 कैसे आया? टोटल जितना भी मेरा काम है डिवाइडेड बाय, अगर मैं एफिशिएंसी कर देती हूँ, मेरा अगर एक दिन के काम से मैं डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास में नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। सिंपल सा पॉइंट है। अब इसमें कुछ रट्टा लगाने वाला है? नहीं है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज टू कंप्लीट ए वर्क इज इक्वल टू व्हाट? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, मींस टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन इन वन डे। ओके, यस। अब इसी तरह से अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मींस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इनटू एफिशिएंसी। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये इतना सा अगर हमें पता है तो टाइम एंड वर्क के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस करते हैं। अब एक और बात कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले जो मैं आपको बताती हूँ, टाइम एंड वर्क पे जो क्वेश्चन आते हैं वो वेजेस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। पाइप एंड सिस्टर्न पे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी कॉन्सेप्ट सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आता है। तो पाइप एंड सिस्टर्न बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, वेजेस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और डायरेक्टली आपका टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें 2014 का, तो 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, देखिए क्या है। कह रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए 10 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है, बी इन 15 डेज दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, द रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाय सी इन टू मोर डेज इफ दे गेट 3000 एज वेजेस फॉर द होल वर्क, व्हाट इज द डेली वेजेस ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली। यस, क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो ए है वो 10 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट करता है, ठीक है जी। जो बी है वो 15 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट करता है। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे जो पहला काम है वो हमारा कि हमें पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है और पर्सन की एफिशिएंसी कितनी है। अगर मुझे एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है, ठीक है ना, तो हम इजीली नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ डेज पता है तो मैं एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर वेजेस की बात हो रही है, तो वेजेस जो मिलती है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वर्क डन। जो जितना काम करेगा उसको उसका उतना ही पैसा मिलेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है, इसमें भी कुछ अलग से कुछ कंसेप्ट नहीं यूज हो रहा। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ दीज टू, तो टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास 30 यूनिट्स। ओके, एफिशिएंसी ऑफ ए 10 डेज के अंदर 30 यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है, दैट मींस कि एक दिन में कितना करेगा? 30 डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस 3 एंड दिस इज 2। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन गिवन दैट दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन तक वो लगातार काम करते हैं। अब देखो, एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये 3 यूनिट वर्क कर रहा है, ये 2 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 5 डेज के अंदर
फाइव डेज के अंदर अगर मैं देखूं तो फाइव डेज में कितना काम हो जाएगा, फाइव डेज के अंदर ए और बी, ठीक है ना, ए और बी कितना काम करेंगे, फाइव इंटू फाइव, दैट मीन्स 25 यूनिट्स ऑफ वर्क कर लेंगे। अब जो काम बच गया रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 30 यूनिट ऑफ वर्क था जिसके अंदर से 25 यूनिट ऑफ वर्क हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 5 यूनिट। ओके, अब क्वेश्चन में कहा है कि जो 5 यूनिट ऑफ वर्क है ना, ये सी ने 2 दिन के अंदर किया है, ठीक है ना, तो सी ने 2 दिन के अंदर 5 यूनिट ऑफ वर्क किया है, दैट मींस कि सी की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर मैं यहां से सी की एफिशिएंसी देखूं तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 2 दिन में 5 यूनिट ऑफ वर्क करता हो तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2.5 यूनिट। ओके, यस, तो तीनों की एफिशिएंसी हमें पता चल गई। अब कह रहा है कि उनको जो टोटल पैसा मिला है ना, वो 3000 रुपए मिले हैं। जब 3000 रुपए उनको मिले हैं, 3000 रुपए किसके मिले हैं, जिसने जितना जितना काम किया, तो ए बी सी अगर मैं तीनों का देखूं तो कितना कितना काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, 5 डेज वर्क किया है, कितना काम हो गया, हाँ जी, ए ने कितना काम किया, 5 डेज के अंदर 50 यूनिट्स ऑफ वर्क किया, बी ने कितना काम किया, 5 डेज के अंदर 10 यूनिट ऑफ वर्क किया, और सी ने, अभी हमने देखा कि जो बचा हुआ काम था 5 यूनिट वो सी ने किया है, हाँ जी, क्लियर, सी ने कितने यूनिट ऑफ वर्क किया, 5, और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास में रेशियो जो है वो कितनी आ गई, 1, 2 एंड 3, दैट मींस कि जो पैसा मिलेगा वो 3:1 की रेशियो में मिलेगा दोनों को। अब टोटल पैसा कितना मिला है उसको, 3000, दैट मींस कि ये जो हमारा है टोटल, इसको हमने 3000 के को इस रेशियो के अंदर डिवाइड करना है, दैट मींस व्हाट, 3 और 2 5 और 1 6, मींस 6 यूनिट इज इक्वल टू 3000, 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 500 हो गया, दिस इज 500। ओके, इसको कितना मिलेगा, 1000 रुपए मिलेंगे, और इसको कितने मिलेंगे, 1500 रुपए मिलेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर, कि सी को 500 रुपए मिलेंगे, यहाँ पे टोटल 3000 है, 3:2:1 की रेशियो के अंदर उन्होंने काम किया है। तो अब यहाँ पे देखो, हमने देखा कि जो टोटल है, टोटल कितना है, 516, 6 इज इक्वल टू 3000, सो 1 इज इक्वल टू 500, तो 1 इज इक्वल टू 500, 2 इज इक्वल टू 1000 एंड 3 इज इक्वल टू 1500, इज इट क्लियर। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज देयर डेली वेजेस, उसने ये नहीं कहा कितना कितना पैसा मिलेगा, कह रहा है कि एक दिन की उसकी वेजेस कितनी बनती है। तो अब इसने कितने दिन काम किया था, 2 दिन वर्क किया है, ठीक है, इसने भी 2 दिन काम किया है, इसने 5 दिन काम किया है और इसने भी 5 दिन काम किया है, ठीक है, तो पर डे का अगर मैं देखूं तो कितना हो गया, ये हो गया 300, इसका हो गया 200 और इसका हो गया 250। ओके, सो आंसर विल बी 300, 200 एंड 250। मैंने फुल डिटेल में आपको क्वेश्चन बताया, सिंपल है, सबसे पहले हमने ये देखना किसने कितना कितना काम किया है, ठीक है, इवन आपको ये वाला भी पॉइंट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली देखो ए ने कितने दिन काम किया है, 5 दिन काम किया, इसकी एफिशिएंसी है तो यहाँ पे हो गया 15, इसने जो बचा हुआ काम है 5 यूनिट वो किसने किया है, सी ने किया है, ठीक है, कितने दिन में, 2 दिन में, क्लियर। अब जो टोटल पैसा मिला है वो तो पूरे काम का मिला है 3000, तो हमने देखा भाई तीनों को कितना कितना पैसा मिला, 1500, 1000 एंड 50, ये उनको टोटल मिला है। अब पर डे की बात कर रहा है, तो पर डे अगर हम देखें तो डे से डिवाइड कर देंगे, इसने 5 डेज वर्क किया, इसको 5 से डिवाइड किया, इसने भी 5 डेज वर्क किया, इसने 2 डेज किया, तो क्या आ गया हमारे पास में, 300, 200 एंड 250। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वॉज आस्क्ड इन 2015 का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या है, कह रहा है 2 पाइप्स, यस, पाइप एंड सिस्टर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, 2 पाइप्स ए एंड बी इंडिपेंडेंटली फिल ए टैंक कम्प्लीटली इन 20 एंड 30 मिनट्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क दोनों में सेम कंसेप्ट आपका वर्क करता है, ठीक है ना, जैसे टाइम एंड वर्क के अंदर हम टोटल वर्क मान के चलते कि भाई कितना काम है, ठीक है ना, तो पाइप एंड सिस्टर्न में हम ये मान के चलते कि हमारा जो सिस्टर्न है उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, दैट विल बी द टोटल वर्क। भाई 2 पाइप है, उन्होंने उसको फिल करना है, तो उनका काम क्या है, फिल करना, दैट मींस कि उनका काम तो यही है ना वर्क की, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है,
क्लियर, तो वही हो रहा है, क्या कह रहा है कि ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल द टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, ओके, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स व्हाट, कि मुझे मेरे टैंक की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है कि मेरे टैंक में टोटल कितना वाटर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा एलसीएम आ गया 60, दैट मीन्स कि मेरे उसके अंदर 60 यूनिट ऑफ वाटर आ सकता है, दिस मे बी लीटर, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लीटर ले लिया। तो अब जो फर्स्ट पाइप है उसकी फिलिंग एफिशिएंसी क्या है, किस रेट से वो पानी भर रही है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 60 को 20 से डिवाइड किया 3, दैट मींस कि 3 लीटर ऑफ वाटर एक मिनट में फिल कर रही है, तो 20 मिनट में 60 लीटर ऑफ वाटर वो फिल कर सकती है। सेकंड आपकी 2 लीटर ऑफ वाटर इन 1 मिनट, दैट मींस कि 30 मिनट के अंदर 60 लीटर ऑफ वाटर फिल कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, इफ बोथ आर ओपन दैट मींस कि 3 लीटर ये फिल करेगी, 2 लीटर ये फिल करेगी, दैट मींस कि इन 1 मिनट 5 लीटर ऑफ वाटर विल बी फिल्ड, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 है, ए प्लस बी की अगर मैं एफिशिएंसी देखूँ तो कितनी हो गई 5, तो टाइम कितना लगेगा टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, जो हमारा टैंक है उसकी कैपेसिटी डिवाइडेड बाय दोनों मिलके कितना पानी भर सकती है 1 मिनट के अंदर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 मिनट्स, ओके, सो आंसर विल बी 12 मिनट्स। हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज W can do 25%, 2016 का क्वेश्चन है, देखिए क्या है, W can do 25% of work in 30 days, X can do 1/4 of the work in 10 days, Y can do 40% of the work in 40 days and Z can do 1/3 work in the 13 days. Who will complete the work first? Correct, काम पहले कौन करेगा? Simple question है, देखो logical question है, बिल्कुल simple question है। तो अगर हमें पता है कि टोटल टाइम कैसे निकलेगा तो हम पता कर सकते हैं, जिसका टाइम कम लगेगा वो फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं W की, क्या करें 25% मींस 1/4, मींस 1/4 ऑफ वर्क इज डन इन 30 डेज, दैट मींस कि कंप्लीट वर्क विल बी डन इन, कंप्लीट वर्क कितने दिनों में होगा, 13 × 4 = 120 डेज। ये पॉइंट क्लियर हो गया, कैसे आया 120, देखो 25% ऑफ टोटल वर्क विल बी डन इन 30 डेज, दैट मींस 1/4 ऑफ टोटल वर्क 30 डेज, तो टोटल वर्क कितने में हो जाएगा 120 डेज के अंदर, मींस कि जितना भी कंप्लीट काम है वो कितने दिनों में खत्म करेगा 120 डेज के अंदर, यस क्लियर। तो यहाँ पे हमने यही यूज किया, तो W को टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम W का कितना आ गया हमारे पास में 30 × 4 = 120 डेज, ओके। सेम भी अगर हम X का देखें तो X का कितना आ जाएगा 1/4 × 10 डेज, 1/4 × 10 डेज, तो 1 in 40 डेज, 1 in 40 डेज, ओके। अब हम आते हैं Y पे, Y can do 40% of work, Y कह रहा है कि 40% कर रहा है कितने में 40 डेज में, तो 100% कितने में करेगा कंप्लीट वर्क 100 डेज में, ओके। अब बात आती है अपने पास में Z की, Z क्या कह रहा है 1/3 वर्क इन 13 डेज, दैट मींस कि 1 कंप्लीट वर्क विल बी इन 39 डेज, सिंपल। अब उसने कहा सबसे पहले कौन काम करेगा, देखो ये 39 डेज में काम कर सकता है, ये 100 डेज में, 40 में, ये 120 में, दैट मींस सबसे फास्ट कौन है, जेड है, तो सबसे जल्दी कौन करेगा काम खत्म, जेड खत्म करेगा, सिंपल है। हाँ जी क्लियर हो गया सभी को, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, हाँ जी देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2016 का क्वेश्चन कह रहा है राम एंड श्याम वर्क ऑन ए जॉब टुगेदर फॉर 4 डेज and complete 60% of it.
राम टेक लीव देन श्याम वर्क फॉर एट मोर डेज टू कंप्लीट द जॉब. हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन. कहता है कि अगर राम काम करता तो वो कितने दिनों में कर लेता. तो अब यहाँ पे देखो वही परसेंटेज वाला कंसेप्ट है जो लास्ट क्वेश्चन में था. क्या कह रहा है कि 60% ऑफ वर्क, 60% ऑफ वर्क कितने दिनों में हो रहा है, 4 days में हो रहा है. 60% ऑफ वर्क 4 days में हो रहा है, तो 100% ऑफ वर्क कितने दिनों में होगा, 20/3 days. ओके, अब कह रहा है कि आपके पास राम और श्याम दोनों मिलके 20/3 days में काम को कंप्लीट करते हैं. ये पॉइंट है हमारे पास में. अब उसके बाद में उसने कहा है कि राम takes leave and then Shyam work for 8 more days to complete the job. That means कि जो Shyam है वो 40%, अब 60% work तो हो गया, बचा कितना 40% work है. अब जो 40% work है वो कितने दिनों में कर रहा है, 8 days में कर रहा है. तो Shyam 100% of work कितने दिनों में करेगा, 20 डेज में करेगा. ये पॉइंट क्लियर है. तो शाम का हमें पता चल गया कितने दिनों में खत्म करता है, वो 20 डेज के अंदर खत्म करता है. हाँ जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया. अब बात आती है कि टोटल वर्क अगर मैं देखूं तो टोटल वर्क कितना है. तो यहां से आप देखो कि जो एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है हमने. तो हम ये मान लेते हैं कि 20 यूनिट्स ऑफ वर्क है. तो यहाँ पे राम और श्याम दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, 20 / 3, दैट मींस कि 3 एफिशिएंसी होगी. यहाँ से हम देख रहे हैं कि श्याम की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20/21 होगी. ठीक है, दैट मींस कि राम की एफिशिएंसी कितनी होगी. हाँ जी, राम की एफिशिएंसी कितनी होगी, राम प्लस श्याम में से अगर मैं श्याम को माइनस कर दूँ तो राम की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. क्लियर. तो टाइम टेकन बाय राम कितना हो गया, 20 यूनिट्स टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ राम. राम की एफिशिएंसी है 2, दैट मींस 10 डेज. ओके, सो आंसर विल बी 10 डेज. हां जी, बिल्कुल क्लियर है. देखो जो परसेंटेज में गिवन है तो पहले ये देखो कि टोटल जो वर्क है, हमेशा ध्यान रखो कि टोटल वर्क अगर परसेंटेज में देन इट विल बी 100%. ओके, अगर टोटल वर्क फ्रैक्शन में गिवन है जैसे 1/4, 1/3, देन टोटल वर्क इज इक्वल टू 1. Done. तो यहाँ पे अपने पास में परसेंटेज में था तो हमने फाइंड आउट कर लिया. ओके, क्लियर. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखिए 2017 का क्वेश्चन है. क्या है, पी वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू. पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, ये गिवन है आपके पास में. आगे क्या गिवन है, वेयर एज पी एंड क्यू टूगेदर कैन वर्क, पी एंड क्यू together can work 4 times as fast as R. ये given है आपके पास में. Done. अब आगे क्या है, कहते P, Q, R together work on a job. In what ratio should they share their earning? कह रहे कि earning को कितनी ratio में share करेंगे. तो हमें पता है जो earning है वो earning किस ratio में share होती है, हमेशा efficiency की ratio में share होती है. Work done per person जो भी होगा उसकी रेशियो के अंदर शेयर होगी. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखना है कि एफिशिएंसी, यहाँ पे जब फास्ट कह रहा है दैट मींस कि एफिशिएंसी की बात हो रही है. टुगेदर कैन डू वर्क 4 times फास्ट, दैट मींस क्या कह रहा है कि हमारे पास एफिशिएंसी है. तो हमारे पास अगर एफिशिएंसी की रेशियो आ जाएगी दैट मींस कि जो उनको वेजेस होगी, उनको जितना भी अर्निंग होगी दैट रेशियो विल बी सेम. ओके, तो बस वही है. तो अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि P is equal to 3Q. तो यहाँ पे मैंने लिखा 3Q plus Q is equal to 4R. That means Q is equal to R आ गया. Q is equal to R आ गया. तो अगर मैं P, Q, R की रेशियो देखती हूँ, P, Q and R. तो R की वैल्यू क्या है, R के इक्वल ही रहेगी. मान लेते हैं हम R
इज इक्वल टू आर, क्यू इज इक्वल टू भी आर है तो क्यू की जगह पे भी मैं क्या लिख सकती हूँ, आर लिख सकती हूँ। और यहाँ पे क्या कह रहा है, पी इज इक्वल टू थ्री क्यू, इस क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगेन आर लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 3R। तो अगर मैं रेशियो देखूँ तो रेशियो क्या आ जाएगी आपकी 1:1, दैट मीन्स की 3:1:1 आ जाएगा। ओके क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। वैसे इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे P works thrice as fast as Q, that means कि P और Q की अगर मैं रेशियो देखूं तो P is thrice, ये रेशियो गिवन है मेरे पास, ठीक है। दूसरा उसने कहा P plus Q is 4 times than R, ये गिवन है, that means this 4 is divided into 3:1, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, P की वैल्यू ये आ गई, Q और R ये है, तो रेशियो क्या आ जाएगी 3:1:1। डन, डायरेक्टली कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लेवल है क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल नहीं आया हुआ, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी फिर भी आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, खुद से भी साथ साथ करते चलो आप लोग, अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो एक बार टाइम एंड वर्क, ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं, एक बार आप पूरा कॉन्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइक्रो कोर्स ले सकते हो, मैं ये नहीं कहती कि हाँ जी सी सेट है, सभी को पता है क्वालिफाइंग है, तो हमने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखना माइंड पे, ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ जी इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में से तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो उस टॉपिक को तो एटलीस्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं ना, तो आप सिर्फ उसी टॉपिक को प्रिपेयर कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगेन टाइम एंड वर्क है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम सिर्फ उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हो, ठीक है, और मुझसे पहले होने चाहिए क्योंकि मैं तो समझा भी रही हूँ आपको, ठीक है ना, तो अगर आपसे इजीली हो रहे हैं देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं हो रहे देन यू नीड सम प्रिपरेशन, ओके। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इवन टॉपिक के लिंक भी गिवन है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हो, ठीक है। और उस टॉपिक के साथ में हम आपको 3-4 वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। इसके अलावा स्टडी नोट्स है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे 200+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आपको टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे इवन वो भी आपको, तो उससे आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि हाँ जी कितने क्वेश्चन को आप कितनी देर में कर पा रहे हो, कितना एक्यूरेटली कर पा रहे हो, एंड ऑल द क्वेश्चंस हैव डिटेल सॉल्यूशन, ओके। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप सभी का हो गया होगा अभी तक, तो जल्दी से आंसर आना चाहिए। देखिए क्या है, क्या है, देयर आर 3 पिलर्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ डिफरेंट हाइट्स। तीन पिलर है, देखिए तीन पिलर है, ये पिलर है हमारा एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ओके। 3 स्पाइडर्स ए बी एंड सी स्टार्ट टू क्लाइंब ऑन दिस पिलर साइमल्टेनियसली, इन वन चांस ए क्लाइंब एक्स by 6 cm but slip down 1 cm. जब वो एक चांस में जब वो चढ़ रही है तो क्या कह रहा है कि क्लाइंब 6 cm, 6 cm जा रही है बट साथ के साथ ही स्लिप कर जाती है 1 cm से, ठीक है। दैट मीन्स कि इन वन क्लाइंब अगर मैं बात करूं तो कितना चढ़ पा रही है वो, 5 cm, ओके। अब इसी तरह से अब हम बात करते हैं बी की, बी क्या कह रहा है कि बी क्लाइम्स वाई ऑन 7 cm बट स्लिप डाउन 3 cm, मींस अप जा रही है वो 7 cm और फिर स्लिप करके आ रही है 3 cm, दैट मींस इन वन क्लाइंब कितना जा रहा है, 4 cm, डन। सेम वे अगर हम देखते हैं सी का, तो सी क्लाइम्स ऑन जेड बाई 6.5 cm, 6.5 cm एंड स्लिप डाउन 2 cm। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक क्लाइंब के अंदर, एक चांस के अंदर वो कितना चढ़ पा रही है, हाँ जी 4.5। इज दिस पॉइंट क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज इफ ईच ऑफ देम रिक्वायर्स 40 चांसेस टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर। अब यहाँ पे देखो 40 चांस के अंदर कह रहे कि वो पिलर पे चढ़ जाती है, अब 40 चांस के अंदर चढ़ जाती है तो जो 40th चांस होगा, ध्यान रखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है कि जो 40th चांस होगा, तो 40th चांस के अंदर मुझे ये बताओ कि वो वापस स्लिप करेगी, जब वो चढ़ गई है वहां पे तो वहां से तो स्लिप नहीं करना ना,
दैट मीन्स कि जो 39 चांसेस हैं, 39 चांसेस के अंदर वो 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर चढ़ पा रही है, ठीक है। बट जो लास्ट चांस है 40th चांस, उसके अंदर वो कितना जंप करेगी? सीधा ये 6 सेंटीमीटर का, ये 7 सेंटीमीटर का और ये 6.5 सेंटीमीटर का, क्लियर। तो अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट ऑफ पिलर जेड, एक्स की बात करें तो एक्स की हाइट क्या होगी? देखो 39 चांस के अंदर वो 5-5 की स्पीड से चल रही है, 5-5 की स्पीड से, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा ना कि 6 सेंटीमीटर चढ़ रही है, 1 सेंटीमीटर नीचे आ रही है, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपके पास में? 195 हो गया ये, और साथ में जब अगली जंप के अंदर तो 6 चढ़ेगी, पूरा 6 चढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 201, इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं वाई की, वाई की अगर पिलर की हम बात करें तो वाई की हाइट कितनी होगी? 39 चांस के अंदर कितना कितना चढ़ेगी वो? क्या कह रहा है? 4 अब ऊपर जाती है, 3 स्लिप कर जाती है, दैट मींस कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 156। और अगली बारे में वो किसने कितना जाना है? यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो हो गया 163। ओके, कितना आ गया हमारे पास में? 163 आ गया। अब हम बात करते हैं जेड की। अब जेड देखो कितना चढ़ पा रही है, 4.5, सो 4.5 39, हाँ जी, जो 39 क्लाइम्स हैं उसके अंदर वो 4.5 की स्पीड से चढ़ेगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 175.5। और जो लास्ट जंप है, लास्ट जंप में तो उसने उतना ही चढ़ना है ना जितना है, उसकी है कितनी? 6.5 सेंटीमीटर चढ़ पा रही हो, तो यहाँ पे हम 6.5 इसके अंदर ऐड करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 182। डन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर? तो यहाँ पे देखो सबसे कम हाइट कौन सी है? 163 है, दैट मींस 163 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल, यस। अच्छा क्वेश्चन था। अब इस तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ पे तो आपके पास में मैंने ये टाइम एंड वर्क के अंदर कराया, एक सिंप्लीफिकेशन में भी एक करवाया मैंने क्वेश्चन, जिसके अंदर इसी तरह का क्वेश्चन था कि हाँ जी इतना जंप कर रहा है वापिस आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे हमने ध्यान रखना है कि जो लास्ट जंप होती है, लास्ट जंप से पहले वाले जंप के अंदर तो आपको स्लिप, जितना भी बैक जाता है, स्लिप करता है या कुछ भी आ रहा है, तो उसको लेना है आपने, ठीक है ना। और जो लास्ट है, लास्ट के अंदर जितनी उसकी एक्चुअल स्पीड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वो 6 सेंटीमीटर जा पा रहा था, तो वो आपको कंसिडर करना है। ओके, यस, नेक्स्ट देखें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 2018 का क्वेश्चन है। ए लिफ्ट हैज कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स एंड 30 चिल्ड्रन। कितने की कैपेसिटी? 18 एडल्ट एंड 30 चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 एडल्ट्स? यस, अब यहाँ पे कैपेसिटी कितने का है? या तो 18 एडल्ट आ सकते हैं या फिर 30 चिल्ड्रन। यहाँ से हमें उसकी कैपेसिटी मिल गई, किसकी? लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी है? या तो उसके अंदर 18 एडल्ट्स हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है ना, या फिर 30 चिल्ड्रन। दैट मींस यू कैन से 1 एडल्ट इज इक्वल टू व्हाट? 12 children, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है कि 12 एडल्ट्स के साथ में कितने चिल्ड्रन और आ सकते हैं? तो हमें पता है कि कितने एडल्ट्स आ सकते हैं? 18 एडल्ट्स आ सकते हैं, यही कह रहा है उसकी कैपेसिटी। अब 18 एडल्ट के अंदर उसने क्या कहा कि 12 एडल्ट, और इसको हम 6 एडल्ट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन अब 1 एडल्ट इज इक्वल टू 5/3 चिल्ड्रन, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 5/3 चिल्ड्रन। तो ये कितना आ गया अपने पास में? 10 चिल्ड्रन। देन दैट मींस कि ये जो 6 एडल्ट है, ये मेरे पास में किसके इक्वल आ जाएगी? 6 × एक ही जगह पे मैंने लिखा 5/3 चिल्ड्रन, दैट मींस 6 एडल्ट्स आर इक्वल टू व्हाट? 10 चिल्ड्रन। दैट मींस कि उसके अंदर 12 एडल्ट्स के साथ में 10 चिल्ड्रन भी बोर्ड कर सकते हैं। यस, क्लियर।
यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है एक पर्सन कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड अनदर पर्सन वाई कैन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज इफ द वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज 40% ऑफ द वर्क टू बी कंप्लीटेड। अब देखिए परसेंटेज वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं आप लोगों के, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पर्सन कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क, 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज। दैट मीन्स कि जो ए है आपका, हम ये मान लेते हैं जो एक्स है, ए पर्सन एक्स जो है वो 100% ऑफ वर्क कितने दिनों में करेगा, 20% 8 डेज में कर रहा है, तो 100% कितने में करेगा, 40 डेज में करेगा। सिंपल देखो कैसे, 20% 8 डेज में, ठीक है, 1% 8/20 और 100 × 100 40 आ गया, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना हमने। तो ये आपको बार बार यूज हो रहा है इस तरह के क्वेश्चन, देखो 2-3 बार पूछे गए एग्जाम के अंदर पहले। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो x है, x 40 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट कर लेता है। अब उसने कहा है कि another person y can complete 25% of the same work in 6 days, that means ki jo y hai wo pura complete work 100% work kitne dinon mein kar payega, this is equal to 24 days। 20% 25 1/4 1/4 se seedha kitna ho gaya apne paas mein 24 ho gaya। If they work together कह रहा है, that means कि सबसे पहले मुझे क्या find out करना है, total work। तो total work अगर हम यहाँ पे देखें तो अपना कितना बनेगा, 120। X की efficiency कितनी होगी आपके पास में, 3 और Y की efficiency होगी आपके पास में 5। Now the question is कि complete 100% के लिए नहीं find out करना आपको कि कितने दिन लगेंगे, कह रहा 40% of work कितने दिनों में होगा। तो 40% of work कितना है, इसका 40% 120 का 40% कितना हो गया आपके पास में, 48 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो टाइम कितना लगेगा, जो भी वर्क करना है हमने, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बोथ, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, कितना हो गया आपके पास में, 6 डेज, ओके। तो ये आ गया आपके पास 6 डेज, ओके, क्लियर है, यस, सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, देन बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो इस पे बच्चे आप और प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। हाँ जी, दूसरा पॉइंट ये है, हाँ जी, तब तक ये क्वेश्चन करो आप। एक और इम्पोर्टेंट बात, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको पूरा कम्प्लीट, ये हमारा है प्रीवियस ईयर का, कोई 1-2 क्लासेस नहीं लगा रही हूँ मैं, हम आपको पूरा कम्प्लीट 5 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं इसके अंदर। तो उसके लिए फ्री वार्म अप कोर्स है, फ्री वार्म अप कोर्स है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको सीरियल वाइज मिल जाएगी विद PDF। और मैं जैसे साथ साथ कह रही हूँ आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और हर एक क्लास के साथ में एक टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, 20 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है, 20 क्वेश्चंस वो आप कर लोगे तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी कितना आप कर पा रहे हो इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ठीक है। और इसके आपके कोई चार्जेस नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर्स को रजिस्टर करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको, साथ में टेस्ट भी अवेलेबल रहेगा, ओके, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सिमिलर टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर, यहाँ पे देखो क्या है, कह रहे हैं कि ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 and 60 डेज respectively, in how many days can A do the work if he assisted by B and C on every third day? हर third day पे B और C उसकी help कर रहे हैं, yes, करिए try। जो previous year के questions थे वो मैं सारे आपको discuss करा चुकी हूँ, ठीक है, 8 question आए हुए थे आपके, मैंने सभी करवाए हैं, I hope कुछ question आप लोगों ने खुद भी किए होंगे, और फिर भी कोई भी आपके माइंड में आता है, कोई भी क्यूरी आपके माइंड में, यू कैन कमेंट अस, ओके, यस, हाँ जी, करें फिर, देखिए क्या कह रहा है, कहता है ए बी एंड सी, ए 20 डेज में कर पा रहा है, बी 30 डेज में, और सी 60 डेज में काम को कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। हेयर टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके पास में, 60 यूनिट हो जाएगा, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 60 यूनिट आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60 डिवाइडेड बाय 20, 2
थ्री आ गया आपके पास में, दिस विल बी टू एंड दिस विल बी वन. अब देखो ध्यान से देखने वाला पॉइंट क्या है, कह रहा है इन हाउ मैनी डेज ए डू वर्क इफ ही असिस्टेड बी एंड सी ऑन थर्ड डे. दैट मीन्स व्हाट, कि जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पे ए काम करेगा कितना, एक ही एफिशिएंसी है 3 यूनिट. दैट मीन्स कि एक दिन के अंदर वो 3 यूनिट ऑफ वर्क कर सकता है, ठीक है. फिर जो सेकेंड डे आएगा, सेकेंड डे के अंदर भी ए खुद ही काम करेगा 3 यूनिट ऑफ वर्क. पर जो थर्ड डे आएगा, यस, जो थर्ड डे है, थर्ड डे पे उसकी बी और सी दोनों उसको असिस्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स कि थर्ड डे पे 3 यूनिट वर्क ये करेगा, 2 यूनिट बी करेगा और 1 यूनिट सी करेगा. दैट मीन्स कितना वर्क हो रहा है, 6 यूनिट्स ऑफ वर्क हो रहा है. डन. दैट मीन्स व्हाट, कि ये आपके पास में टोटल कितना हो गया, 12 यूनिट ऑफ वर्क हो गया. और ये जो 12 यूनिट ऑफ वर्क है ये कितने दिनों में हो रहा है, 3 दिन के अंदर हो रहा है, ठीक है. दैट मीन्स कि 12 यूनिट्स ऑफ वर्क डन इन 3 डेज. ओके, 1 यूनिट ऑफ वर्क 3/12 डेज, और कितना है टोटल वर्क, 60 यूनिट्स ऑफ वर्क, कितने दिनों में होगा, 15 डेज के अंदर हो जाएगा. सो आंसर विल बी 15 डेज. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट. रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट. रवि टेक्स 6 आवर्स टू टाइप 32 पेजेस. रवि कितना टाइम ले रहा है, 6 आवर टू टाइप 32 पेजेस ऑन ए कंप्यूटर, व्हाइल कुमार टेक्स 5 आवर्स टू टाइप 40 पेजेस. How much time will they take working together? Yes, on two different computers to type assignment of 110 pages. Yes, here total work is done. Total work क्या है, 110 pages उनको type करने. अब उसमें क्या कहा है कि जो रवि है, रवि 6 hours लेता है 32 pages को complete करने में. That means कि रवि की efficiency कितनी है. सबसे पहले मैंने देखा रवि की efficiency कितनी है. Efficiency क्या होती है आपकी, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है. हो गया हमारे पास 16/3 यूनिट पर आवर, क्लियर. अब बात करते हैं हम कुमार की, तो कुमार की एफिशिएंसी कितनी होगी, कुमार की एफिशिएंसी क्या, 40 पेजेस 5 आवर्स. दैट मीन्स 8 यूनिट पर आवर, 8 पेजेस पर आर टाइप करता है वो, क्लियर. अब दोनों मिलके कितना करेंगे, तो रवि और कुमार दोनों की अगर मैं एफिशिएंसी देखूं तो कितनी हो जाएगी, 16/3 + 8 कितना हो गया, ये 8 + 24 = 24 + 6 = 30 = 40 = 3. डन. हाँ जी, इतने पेजेस वो कर सकते हैं पर आर, क्लियर. नाउ क्या गिवन है आपके पास में, 110 पेजेस की असाइनमेंट है, तो उनको दोनों को टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बोथ 40/3. 40/3 तो 3 अपना ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया, 33/4. अब ये हमारे पास में आर्ट्स में आ गया. अब यहाँ पे आगे थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है क्या है, ये आ जाएगा आपके पास में 4 × 8 = 32 1/4 आवर. अब 8 आवर तो पूरा हो गया, ठीक है. यहाँ पे क्या है, 1/4, तो 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स, तो 1/4 कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी 15 मिनट्स हो गया. तो कितना हो जाएगा आपका, 8 hours and 15 minutes. सो आंसर विल बी 8 hours and 15 minutes. यस, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये. ये पॉइंट भी ध्यान आ गया, समझ आ गया क्या क्या, 1/4 है ना, 8 is to 1/4. दैट मीन्स कि 8 आवर तो हमारे पूरे हैं, और इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये जो 15 है वो मिनट्स आ गए मेरे, तो 8 hours and 15 minutes. यस, क्लियर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि ए एंड ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 25 and 30 डेज. 20, 25 and 30 डेज दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर. आफ्टर 2 डेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ वर्क ए क्विट्स. ए चला गया 2 दिन के बाद, तीनों ने मिलके काम शुरू किया बट 2 दिन के बाद में ए चला गया. देन
थ्री डेज आफ्टर ए बी क्विट्स, उसके बाद में बी भी चला गया, देन इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड। यस गुड क्वेश्चन, यस करिए ट्राई खुद से, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें। देखिए तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ए बी एंड सी। ए 20 डेज में कर रहा है, बी 25 डेज ले रहा है और सी 30 डेज ले रहा है। क्लियर। अब उसके बाद में हम पहले एक सबसे पहला हमारा काम है टोटल वर्क फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल वर्क कितना बन जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो उसने कहा दो दिन तक जब काम तीनों ने मिलकर शुरू किया है, दो दिन के बाद में ए गया, दैट मीन्स कि दो दिन ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ए प्लस बी प्लस सी इनका दो दिन का काम कितना है। पहले हम ये देखते हैं टू डेज वर्क। हाँ जी, टू डेज का वर्क कितना होगा, देखो 15 यूनिट इसने किया, 12 यूनिट इसने किया, 10 यूनिट इसने किया, कितना हो गया 37 यूनिट। 37 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो दो दिन में कितनी करेंगे, 37 इंटू टू 74 यूनिट्स हो गया। यस क्लियर। उसके बाद कह रहा है ए चला गया, अब कौन कौन रह गया, बी एंड सी। अब बी एंड सी, नाउ गिवन दैट थ्री डेज आफ्टर ए बी क्विट, दैट मीन्स कि बी और सी दोनों ने थ्री डेज वर्क किया, तो इनका थ्री डेज का वर्क कितना हो गया। हाँ जी, थ्री डेज का वर्क बी ने किया 12 यूनिट, सी ने किया 10 यूनिट, वन डे में 22 यूनिट्स, तो थ्री डेज में 66 यूनिट्स। दैट मीन्स कि टोटल वर्क डन कितना हो गया, 74 यूनिट ये और 66 यूनिट ये, कितना हो गया 140 यूनिट ऑफ वर्क हो गया। सो रिमेनिंग वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल कितना था 300 यूनिट वर्क था, जिसमें से 140 यूनिट वर्क हो गया, रिमेनिंग कितना बच गया 160 यूनिट्स। कैसे आया, 300 से मैंने 140 को माइनस कर दिया। क्लियर। अब कह रहा है कि बताओ कि काम कितने दिनों में खत्म होगा। अब ए भी चला गया, बी भी चला गया, जब जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन करेगा, ऑब्वियसली सी करेगा, तो सी कितना टाइम लेगा, कितना लेगा, जितना भी वर्क है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी, दैट मींस 16 डेज लेगा। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि हाँ जी सी कितना टाइम लेगा, क्वेश्चन ये है कि टोटल कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो यहाँ पे देखो 16 डेज तो आपके ये लग गए, ठीक है, थ्री डेज ये हो गए और टू डेज ये हो गए, दैट मीन्स कि जो टोटल डेज हैं कितने लगेंगे, 21 डेज। ओके, सो आंसर विल बी 21 डेज। डन, हाँ जी क्लियर है। ओके, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको देंगे, तो हमें बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब यहीं पे कह देते पहले सी चला गया या ए चला गया, बी चला गया, काम पहले हो गया बाद में हो गया, इट डजंट मैटर। डन, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पाइप्स कैन फिल ए टैंक विद वाटर 15 एंड 12 आवर्स। दो पाइप है, हम मान लेते एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। कह रहा है कि एक 15 आर्स के अंदर फिल करती है और सेकंड 12 आर के अंदर फिल करती है, एंड थर्ड पाइप एम्प्टी इन 4 आर। जो है थर्ड पाइप वो क्या है, खाली करने वाली है, इसलिए मैं इसके आगे माइनस लगा रही हूँ। जो दो पाइप है वो फिलिंग पाइप है, फिल कर रही है पानी को, और जो एक थर्ड पाइप है वो उसको खाली कर रही है, ठीक है। इनसे पानी आ रहा है और एक ये लगा लो नीचे पाइप है, ये इसको खाली कर रही है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। डन, क्लियर है। अब क्या है क्वेश्चन, इफ ऑल द इफ द पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर 8 9 एंड 11 एएम रेस्पेक्टिवली द टैंक विल बी एम्पटाइज्ड इन। कह रहा है कि जो पाइप है वो कैसे ओपन हुई है, यहां पे कह रहा है जो फर्स्ट वाली है वो 8 एएम, ठीक है, सेकंड 9 एएम और जो थर्ड है वो 11 एएम पे ओपन हुई है, तो बताओ टैंक कब खाली होगा। तो पहले अभी देखते हैं हम कि टैंक के अंदर कितनी अपनी एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी होगी 60। सो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये उसकी कैपेसिटी आ गई कि हाँ जी टैंक के अंदर कितना वाटर आ सकता है, क्या आज जैसे हम टाइम एंड वर्क में कहते हैं टोटल वर्क। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी ऑफ ईच पाइप, की एक पाइप एक घंटे के अंदर कितना पानी भर सकती है या खाली कर सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम
पहले की बात करें तो इसके आ जाएगी आपके पास 4, ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा आपके पास में 15, इसको मैं माइनस कर रही हूँ, डन। अब देखो 11 बजे तक, हाँ जी अगेन लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, 11 बजे तक पहली पाइप 8 बजे ओपन हुई है, 8 से 11 बजे तक उसने कितना पानी फिल किया, ए फिल, कितना पानी फिल किया 8 से 11, दैट मींस कि 3 आवर्स तक वो भर रही है 11 बजे तक, तो कितना हो जाएगा 4 × 3, दैट मींस कि 12 लीटर ऑफ वाटर उसने फिल कर दिया, हम मान लेते लीटर में आई, डन। अब उसके बाद में अगर हम बी की बात करें तो बी 9 o'clock ओपन हुई है, बी 9 o'clock ओपन हुई है तो 9 से 11 तक बी ने कितना वाटर फिल किया है, बी ने कितना फिल किया है, 2 घंटे तक चली है बी, 5 × 2, दैट मींस 22 लीटर ऑफ वाटर फिल किया। यस, अब आता है क्वेश्चन कि एक ने 12 लीटर और 22 लीटर ऑफ, सॉरी ये हो गया 10 लीटर, ओके, दैट मींस कि 11 एएम, अगर हम बात करते हैं 11 एएम की, तो 11 एएम के अंदर हमारे टैंक के अंदर कितना वाटर है, 22 लीटर ऑफ वाटर है, यस मैंने 22 यहां लिख दिया था गलती से, हाँ जी। अब देखिए 22 लीटर ऑफ वाटर है, और अब क्या हुआ, ए तो चल रही है, बी भी ओपन है, अब सी भी साथ में ओपन कर दी, बट सी क्या है, वो खाली कर रही है, एम्प्टी करने वाली है, आउटलेट है हमारा, दैट मींस कि एक घंटे के अंदर इसने 4 यूनिट ऑफ वाटर फिल किया, ठीक है, ए ने 4 लीटर ऑफ वाटर फिल किया, ठीक है, बी ने 5 लीटर ऑफ वाटर फिल किया, और सी ने 15 लीटर ऑफ वाटर खाली कर दिया, डन। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है, दैट मींस व्हाट, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई 9 लीटर तो भर रहा है, 15 लीटर बाहर निकल रहा है, दैट मींस कि यहाँ पे अब भरेगा या खाली होगा, हाँ जी बताओ, भरेगा या खाली होगा, ऑब्वियसली खाली होगा, दैट मींस कि एक घंटे के अंदर अगर ए और बी और सी तीनों ओपन है तो 6 लीटर क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है, 6 लीटर एक घंटे के अंदर एम्प्टी होगा, तो 22 लीटर था हमारा 11 बजे पानी, ठीक है, तो 22 लीटर कितनी देर में खाली होगा, हाँ जी 22 डिवाइडेड बाय 6, क्लियर, हाँ जी, तो ये कितना आ गया आपके पास में, 3 आवर्स तो पूरे आ गए, 3 × 9 और 2/3, अब इसको मैंने मिनट में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 40 मिनट्स, दैट मींस व्हाट कि कितना टाइम लगे हमारे पास में, 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स के बाद में वो खाली हो जाएगी, पर क्वेश्चन ये नहीं है कि कितने देर के बाद खाली होगी, क्वेश्चन ये है कि कितना बजे खाली होगी, किस टाइम पे खाली होगी, तो किस टाइम पे खाली होगी, 11 बजे के बाद में उसको 3 घंटे और 40 मिनट लग रहे हैं, 11 बजे के बाद उसको 3 घंटे और 40 मिनट लग रहे हैं, तो क्या टाइम होगा उस टाइम पे, 2:40 होंगे, सो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास में, 2:40 PM, ओके, यस क्लियर है, हाँ जी। अगर आप लोगों को लगता है कि क्लास हेल्पफुल है आपके लिए, इसके अंदर आपने कुछ सीखा आज की क्लास के अंदर, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना, सो दैट कि अगर वीडियो हेल्पफुल है तो उनको भी मिले, ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच।